आर टीवी में सभी का स्वागत है। आज के इस एक कलाकार प्रोग्राम में वी हैव अनदर ब्रिलियंट आर्टिस्ट मृणाल जोरापुरकर दांगे। मृणाल इज बेस्ड इन नागपुर, अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट हु हैज क्रिएटेड हर ओन विजुअल लैंग्वेज, हर ओन सब्जेक्ट। शी इज अ फैकल्टी नागपुर आर्ट कॉलेज। लेट अस नो मोर अबाउट हर आर्ट प्रोसेस, हर आर्ट फिलोसफी एंड अ थॉट प्रोसेस अबाउट हर आर्ट। ओके, वेलकम मृणाल। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं एक बोल दूं कि इट्स लाइक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपके आर्ट वर्क में मैंने देखी है, इसमें दैट यूजुअली सारे लोग लैंडस्केप फिगरेटिव ऐसा जो होता है जो सेल होता है उसके ऊपर जाते हैं, लेकिन आपकी पेंटिंग कॉम्पोजिशंस में देखता हूँ तो थोड़ा ऑफबीट लगता है। Very brilliant compositions where you play with lines and compositions in space. So, ये जाने से पहले ये सवाल देते हुए, I would like to know what is your thought process, आपकी philosophy क्या है, सोच क्या है, आप क्या करते हैं? Basically, when you say, firstly, तो I'll take the compliment and I'll really like to thank you कि आपने जो हम paint करते हैं उसको observe किया है। When you say कि मेरा lines और ये masses और abstractions का play आ जाता है, so basically thought process के बारे में जब हम बात करते हैं तो this subject has revolved around me and I have evolved out from this the same subject, क्योंकि पहले मेरे जो पहले के काम हैं वो subjective होते थे, पानी पूरी वाले से लेकर चना चोर बेचने वाला, ये भी एक वेंडर्स का भी सब्जेक्ट मैं कर चुकी हूँ पहले। धीरे धीरे जब हम जैसे बड़े होते जाते हैं हमें रियलाइज होता है कि हमने बचपन से जो देखा है उसका कितना मेजर इम्पैक्ट हमारे ऊपर पैसिवली होते रहता है। करेक्ट, वो पता नहीं चलता कि हम इसमें कैसे इमोशनली इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। फिर Correct. जब मेरे पास मुझे रियलाइज हुआ कि बचपन से ये फाइट है, मेरी नहीं हर किसी की है, आपकी भी हुई होगी, एक अच्छी स्कूल में एडमिशन मिलना, उसके बाद एक अच्छा कॉलेज लेना, उसके बाद हमारा फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यू नो एंटरिंग टू अ गुड इंस्टीट्यूशन, हमारे पेरेंट्स की फाइट हम देखते हैं, हमारे भाई बहनों की फाइट हम देखते हैं, क्या है सब कुछ अराउंड द चेयर, करेक्ट एवरीथिंग। आप डाइन करते हैं, आप इमोशंस वहां पर भी आपके इमोशंस आपके साथ में हैं, आप आपकी मेमोरीज क्रिएट करना शुरू करते हैं, यादें रह जाती है कितने सालों तक, 10 साल बाद भी हम किसी उस दोस्त से मिलते हैं तो वो डाइन किया हुआ इवनिंग हमें याद रह जाता है। करेक्ट, तो ये मैं नहीं भूल पाई थी शायद, और ऑब्वियसली देर आर सो मैनी थिंग्स, अभी हमारा जॉब है, हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल फाइट्स है, छोटे से दुकानदार से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक चेयर की फाइट है, कौन Correct. फाइट नहीं कर रहा है। बिल्कुल, वो बिल्कुल. वो शायद मेरे अंदर बहुत उसका द्वंद था, वो निकालने के लिए मेरे पास मेरा आर्ट एक्सप्रेशन था, मेरी लैंग्वेज थी एक्सप्रेस करने की पेंटिंग, और वो ऐसे ही निकल गया, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, एकदम से मैं सब्जेक्ट पे नहीं जंप की। आइडियली आई ग्रेजुअली आई पेंटेड ऑन दिस। पहले मेरे पेंटिंग्स में कैट आया करती थी, कैट मुझे बहुत मिस्चीवियस लगती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि कैट इज द रियल मिरर इमेज ऑफ अ ह्यूमन समटाइम्स, तो मैं वो कैट को लाती थी कि कैसा कैट प्ले करता है पता ही नहीं चलता अंदर क्या है दिमाग True. में, True, इसलिए true. वो कैट आ जाती थी साथ में। मुझे विंडोज और ग्रिल्स बहुत पसंद थे, मुझे वो बहुत फैसिनेट करते थे, तो मैं ग्रिल्स भी, ग्रिल इसलिए आती थी क्योंकि मुझे बहुत कभी कभी लगता था हम बहुत बंद हो जाते हैं अननेसेसरीली, हम जान ही नहीं पाते कि इसके बाहर भी देख सकते हैं, उसके उसके नजदीक जाएंगे तो दिख जाएगा, दिख जाएगा, हम दूर से देखते हैं और लगता है कि बंद है बंद है, जब सही बात, जूम में जाएंगे तो शायद वो छोटी सी विंडो के बाहर भी देख पाएंगे, वो नहीं एक बहुत समझ बड़ी में आता। दुनिया है, करेक्ट, हाँ, वो धीरे धीरे समझा, वक्त लगा, और फिर अभी प्रेजेंटली मैं इस पैटर्न में काम कर रही हूँ, मैं निकल नहीं पा रही हूँ, मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, सब्जेक्ट इतना बड़ा है और मेरे अंदर फंसा हुआ है, जब तक शायद पूरा ना निकल जाए मैं पेंट करती रहूंगी। आई नो आई नो।
नहीं, इट इज सच अ ब्रिलियंट आइडिया, मैं बताऊं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं आपसे फोन पे बात कर रहा था, आप ऐसे ही कुछ कह रही थी इसमें, तो आपके दो विचार या दो एस्पेक्ट्स उभर के आते हैं। एक, आप जिंदगी की उस मासूमियत को भी देखते हैं, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पानी पूरी वाला हो या छोटा सा हो, एंड वेरी कॉमन थिंग जो हमारे जिंदगी के आम जिंदगी के इर्द गिर्द चीज हो, उस तरह के, मतलब आप, आपकी एक तरफ से देखा जाए तो उसकी सेंसिटिविटी, उसकी जो मासूमियत है वो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड दूसरी जगह पे उसी मासूमियत को इस क्या बोलते हैं, इस कठोर दुनिया में किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए उसको मारा मारी उसको चलते, तो ये एक तरफ से इतनी कोमलता या सेंसिटिविटी, एंड एक तरफ से इतना फाइट, इतना स्ट्रगल, ये पैराडॉक्स को आप किस तरीके से देख के उसको किस तरह कंपोज करते हैं, हाउ डू यू डू दैट? कॉम्पोजिशन करते वक्त इतना तो नहीं सोचती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, मुझे अगर अभी मैं अगर मेरे घर का गमला देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना ब्यूटीफुल है, नीचे की दुनिया उतनी है, ऊपर लिमिट है उसको स्काई की। करेक्ट, तो मुझे फिर कभी कभी रियलाइज होता है मैं क्यों नहीं, ये जो लिविंग आर्ट फॉर्म है ये अपने आप में कितना इवॉल्व हो सकता है, इसको नहीं पता। मैं उसको प्लांट कर दिया, मैं पानी डाल दूंगी, वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, मेरे हाथ में है या उसके हाथ में है, ये मेरा हमेशा का डायलेमा है करेक्ट, ना। ग्रोथ को जब मैं देखती हूँ फिर मैं अपने आप से भी रिलेट करती हूँ, हमारा खुद का स्ट्रगल, कॉलेज जाना, पेंटिंग करना ना, अपने अपने किड्स हैं उनके साथ में, उनको बढ़ता देखना, उनकी डिफिकल्टीज, व्हेन एक मम्मी हो या फादर हो वो अप, और सेंसिटिव आर्टिस्ट वो किसी से भी रिलेट कर सकता है, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। उसकी भी प्रॉब्लम कभी कभी मुझे अपनी लगने लगती है, फिर मुझे उसमें से सब्जेक्ट कभी कभी रियलाइज हो जाता है कि मैं इससे भी रिलेट मेरा हो जाता है। कभी स्टडी टेबल, मैंने मेरा रिसेंट एक काम है जिसमें एक लैपटॉप है आया हुआ पेंटिंग में, तो वो That speaks about the child's world which has been restricted to one room. तो वो मुझे बहुत बहुत तकलीफ दे रहा था कि मेरी बेटी एक ही रूम में बैठ करके बड़ी हो रही है, तो वो एक साल में उस वो चेयर वो लैपटॉप वही उसकी दुनिया हो गई है, सही वो बात, आ गया पेंटिंग में क्योंकि वही देख रहे हैं। तो बहुत डिफरेंटली देखना नहीं पड़ता है कंपोज करने के लिए, इतना रोज रोज की लाइफ में इतने सब्जेक्ट्स हैं आपके आजू बाजू में, अपने आप ही वो पेंटिंग में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। आर्ट इज फाइनली एन एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशन, आई मीन ट्रू उसके आगे क्या है। ट्रू नहीं, ये बात तो आपने बहुत सही कही उसमें, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट है, मतलब आप चेयर लीजिए या गमला लीजिए, ना, ये सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं तो जो साइलेंट विटनेस है, राइट जो सब कुछ देखते हैं, एंड इनके पास इतनी कहानियां होती है लेकिन बयां नहीं कर पाते हैं उसमें। मेरे ख्याल से हर इंसान अपनी कहानी उसके साथ जोड़ सकता है एग्जैक्टली इसमें, एंड एक 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 सवाल मेरे पास हमेशा ऐसा रहता है इसमें, आई मीन आई थिंक मैं पूछ चुका हूं उसको, लेकिन फिर भी आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अच्छे अच्छे लैंडस्केप, अच्छे अच्छे फिगरेटिव, बड़े कंसेप्चुअल करना है इसमें? आपने एक 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 वेरी आम सब्जेक्ट, एक कुर्सी को लेकर आप इतना ब्रिलियंटली कंपोज करते हैं उसमें, स्पेशली आई शुड टॉक अबाउट, आई मीन ये अगला पूछूंगा, बिकॉज आपकी लाइन थियोरी, मेरे ख्याल से आपकी पेंटिंग्स में लाइन थियोरी के ना उसके ऊपर ही एक बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है उसमें, तो आप इस एक आम सब्जेक्ट को इतना ब्रिलियंटली वेल कॉम्पोज जो प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें, उसमें सेंसिटिविटी है, उसमें मिस्ट्री है, उसमें साइलेंट विटनेस, मौन राग जिसको कहते हैं, वो भी है उसमें, ये सब करते वक्त क्या आप सोच के या उससे पहले आपकी कोई एक्सपीरियंस, घटना या सोच है, या इट सिंपली हैपन्स, हाउ डज दैट हैपन? जनरली इट सिंपली हैपन्स, मेरा एक प्रॉब्लम है ऐसा मैं कह सकती हूँ, अगर मैंने वो ड्राइंग पहले पेपर पे कर लिया तो मेरे अंदर की स्पॉन्टेनिटी और मेरे अंदर की जो फाइट है वो खत्म हो जाती है। सोच
बहुत दिनों से चलती रहती है। वो एक दिन आता है, हमारा कैनवास सामने लग जाता है और वी स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। और आपने जो पहला सवाल किया कि कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इतना चेयर को छोड़ के मैंने कुछ और करना चाहिए, वसंत जी चेयर मेरे मेरे लिए अपने आप में इस दुनिया का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। क्या बात है। आप अगर किसी से भी पूछिए किसके लाइफ, मेरा एक पेंटिंग है जिसमें मैंने एक चेयर निकाली है और उसको हर चेयर ऐसा एक टाइटल किया हुआ है, इट इज जस्ट अबाउट अ वुमन। घर से बाहर जाती है जॉब करने के लिए, घर के अंदर आती है उसी एक चेयर में रिलैक्स करने के लिए, सही यू बात नो। है। तो वो जो सोच सकता है कि चेयर एक छोटा सब्जेक्ट है, उसने एक बार फिर से सोचना चाहिए कि सही में चेयर छोटा सब्जेक्ट है क्या। नहीं, मैं छोटा सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक मामूली चीज है रिस्ट्रिक्टेड जो रोजमर्रा जिंदगी में कभी हम शायद मे बी इट इज वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड आल्सो। या मे बी पीपल हैव नॉट थॉट अबाउट इट इन दिस एंगल। इसीलिए शायद मेरा ये काम है कि मैं उसके वेरियस एंगल्स को लोगों तक यू नो पहुंचा सकूं अगर मुझे जम गया तो। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। कमिंग बैक टू योर लाइन्स, आई टेल यू, जैसे मैं हमेशा मैं कहता हूं कि एक कलाकृति बनने के लिए तीन चीज, लाइन्स, फॉर्म्स एंड कलर्स, जैसे कि संगीत में होता है सुर, लय, ताल, ये तीनों की संयोजन हो, आप कुछ भी करो वो एक बैलेंस कॉम्पोजिशन हो जाए, कलाकृति बन जाती है उसमें। आपके पेंटिंग्स में डायलॉग जो बनाती है वो लाइन्स बनाती है उसमें, आप इसके बारे में कुछ कहेंगे इसमें आपके लाइंस के, क्योंकि दे आर बोल्ड, दे आर थिन, दे आर थिक, दे आर सेंसिटिव, दे आर रॉ, दे आर रस्टिक, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी मेलोडियस, उसमें एक सुर है, एक संगीत है, ये इतने सारे मिश्रण उसमें, अगर आप पेंटिंग को पढ़े, यूजुअली पेंटिंग को देखते हैं बट मैं जब पेंटिंग को पढ़ता हूं ऐसा उसमें, तो ये सारे एलिमेंट्स को आप, एंड दूसरी बात इसमें है कि आपके काफी सारे बीचों बीच कैनवस में काफी डायगोनल लाइंस भी आते हैं। नो, डायगोनल लाइंस हैंडलिंग इज नो इजी, ट्रस्ट मी, एंड वो भी कैनवस के बीच बीच के ऑप्शन पे। हाउ डू यू बैलेंस दैट, हाउ डू यू दिस थिंग, उसके बारे में क्या, कैन यू थ्रो ऑन समथिंग ऑन योर अबाउट योर लाइन थियोरी? क्या हुआ है कि वाइल लर्निंग आर्ट हम एक एक स्टेज से लर्न करते जाते हैं। मिनिएचर्स ने मुझे बहुत फैसिनेट किया था। व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर मिनिएचर सब्जेक्ट हुआ था, मुझे बहुत लगता था कि एक ही टाइम पे एक ही जगह एक ही हर टाइप का पर्सपेक्टिव है। राजा दिख भी रहा है, ऊपर टेरेस भी दिख रही है, उसके ऊपर का भी, उसके नीचे का पानी भी, सब कुछ। सही बात। तो जब मैंने अपना काम शुरू किया था ये वाले सीरीज का, मुझे भी लगता था कि मैं क्यों नहीं दिखा सकती ना। मुझे अगर एक ही पेंटिंग में मेरे इमोशंस को दिखाना है तो मेरे पास क्या है। सही बात। देन दिस इवॉल्व कि मैं अपनी लाइन से आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकती हूँ मेरे काम में। तो सही मुझे बात। अगर आपको मेरे काम में घुमाना है या आपको मुझे बताना है कि यहाँ से जाइए और वहां तक पहुंचिए, तो मेरे पास मेरा एक लाइन का फॉर्म ऐसा था जो मुझे रख कर मैं कोशिश कर सकती थी कि यहाँ से यहाँ मैं पहुंचाऊंगी। फिर वो वैसे धीरे धीरे लाइंस, और मुझे लाइन रखना बहुत पहले से पसंद है क्योंकि मैं माधव सातोड़ेकर जी बोलिए या फिर हेब्बर बोलिए या सुनील दास बोलिए, इन लोगों के काम, उसके बाद हेनरी मातीस हो गए, वैन गॉग हो गए, पॉल गॉगा हो गए, कलर स्कीम्स के लिए मैं बहुत बहुत देखती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इन लोग क्या कर लेते हैं, ऐसा क्या कर लेते कि मैं रुक जाती हूँ। और फिर अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे, लाइन से प्यार वो मुझे बहुत आगे लाइंस की तरफ खींचता ही गया कि मुझे हमेशा लगता था कि ये मेरी अगर स्पॉन्टेनियस लाइन है तो इसको क्यों ना रखा जाए आखिरी तक, क्यों उसको कलर के अंदर डालने की जरूरत है। लाइन इटसेल्फ वसंत जी इज अ कंप्लीट आर्ट फॉर्म, इट डजंट नीड अ कलर। करेक्ट करेक्ट। तो अगर मैं कलर ऐड भी करती हूँ और अगर मैं वो रख पाती हूँ तो और इससे क्या बेटर हो सकता था। तो वैसे वो रखना मैंने शुरू किया एंड देन अभी
इस टाइप से काम कर पाती हूँ। एंड आपके कलाकृति में वो एक अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि उसमें ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट कुछ इम्प्रेस करने के लिए एक डेकोरेटिव पीस सजा के रखी हो, इट इज लाइक उसकी अपनी एक आस्था है, उसकी अपनी एक जिंदगी है, एंड आप एब्रप्टली किधर भी कट करते किधर भी शुरू करते हैं, एंड उसके सपोर्टिव में आपके ब्रश स्ट्रोक्स, आपके जो कलर चॉइस के साथ जो ब्रश स्ट्रोक्स आता है उसमें, कि कहीं तो लाइन शुरू होके बीच में गायब हो जाती है वो कहीं पे इसमें, एंड इट एड्स टू दैट मिस्ट्री। ऐसा आपकी ये तीनों फैक्टर में, वंस अगेन अगर मैं कहूँ तो, आपकी कलर चॉइस और एप्लीकेशन में, आपकी लाइंस में, और आपकी कॉम्पोजिशन, आप जिस तरीके से उसको एक पोएट्री बनाते हैं उसमें, इसके बारे में कुछ, कैन यू थ्रो सम लाइट, मतलब ये आपको कैसा ये इंस्पायर हुआ, आप कैसा बनाए, एंड आज कैसा चल रहा है उसको, हाउ डू यू? बहुत सारे टीचर्स आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरे भी लाइफ में, मेरे फर्स्ट ईयर से लेकर, मैं तो नागपुर में ही पढ़ी हूँ और बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाई, बहुत सारे मेडिकल रिस्ट्रिक्शंस होते थे घर में। बट उस वक्त कुछ ऐसे टीचर्स मेरे लाइफ में आए जिन्होंने मेरे से बहुत काम करवा लिया, एक्सेलेंट, है ना। वो हमारे फाइनल ईयर की टीचर या फिर हमारे थर्ड ईयर के, नाम में शायद एक का लू और एक का ना लू तो ठीक नहीं लगेगा, बट ऑल टीचर्स बेसिकली, या ऑल टीचर्स, लेकिन उन्होंने हमसे इतना काम करवा लिया कि हमें कॉम्पोजिशन करने के लिए बैठकर सोचना नहीं पड़ता था। हम सीधे सीधे, हमें सब्जेक्ट मिलने के बाद में 50 से 100 हम लोगों को ये करने पड़ते थे, ब्लैक और वाइट, नेगेटिव पॉजिटिव्स को आप ड्रॉ करो, उससे पॉसिबिलिटीज इन्हें तैयार हो जाती थी कि एक सब्जेक्ट को 50 तरीके से कैसे डिजाइन कर सकते हैं एक सब्जेक्ट को। उस एक रिवीजन प्रोसेस ने हम लोगों को उतना तैयार कर दिया कि हम उतना आज कर पाते हैं। हमें ऐसे बैठना नहीं पड़ता है कि आज पेपर पे किया, कल कैनवास पे एनलार्ज कर दिया, परसों कलर स्कीम के बारे में सोचा, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा है ना, बीइंग अ टीचर, मैं खुद भी बच्चों को बोलती हूँ, एक किताब रखो, मैंने एक की स्केच बोला है, आप 15 लेके आओ, तो आप ही का डेवलपमेंट जितना 10 साल में होना है वो 2 साल में होगा। Correct. तो ये बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कॉम्पोजिशंस को लेकर। बहुत सही, इसके लिए दैट्स व्हाई ऑलवेज टर्म लाइक, मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आई वांट चैलेंजिंग पेंटिंग्स, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज ब्यूटीफुल पेंटिंग्स नहीं है, आई वांट चैलेंजिंग पेंटिंग्स, बिकॉज चैलेंजिंग इज द न्यू ब्यूटीफुल नाउ। राइट राइट, ओके, तो योर पेंटिंग्स आर रियली चैलेंजिंग वंस, बिकॉज बहुत सिंपल चीज में एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को उठाना, बहुत सिंपल अप्रोच से एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को प्रेजेंट करना है ना, दैट्स रियली अ बिट, उसको आर्टिस्टिक मैजिक बोलते हैं उसको। थैंक यू। आपके कॉम्पोजिशंस में, स्पेशली वो चेयर के कॉम्पोजिशंस, जो कलर स्कीम जिस तरीके से, वेरी ब्यूटीफुल। गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज लाइक, यू नो, जैसे आपने कहा कि आपके टीचर्स भी थे, आपके सीनियर्स भी थे जिन्होंने आपको, आज आप फैकल्टी हैं एंड आज आप पढ़ाती हैं, तो यू सी द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। तो मेरे ख्याल से अगर मैं सामने से व्यू करूं तो मृणाल हैज 3 generations ऑफ एक्सपीरियंस, उससे पहले वाले की, योर कंटेम्प्रेरीज नाउ, एंड जो सामने नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है या बच्चे स्टूडेंट्स आ रहे हैं इसमें, हाउ डू यू व्यू दिस, ये 3 generations की परव्यू, उनकी जो परसेप्शन है कैसा लगता है? डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन कितना भी डिफरेंस आ जाए, टेक्निकली हम कितने भी साउंड हो जाएं, बट जो ऑब्जर्वेशन और जो स्टडी होता है वो बदलता नहीं है। सही बात। अभी गूगल इज द टीचर पहले में, बट गूगल से क्या देखना ये समझ में आ जाए तो बहुत आगे चले जाएंगे। सही बात। हमने सब्जेक्ट दे दिया, गूगल से उसी सब्जेक्ट को देख लिया, इंस्टेड ये देखो कि उस सब्जेक्ट को और पेंटर्स ने कैसे किया। सही बात। ये डिफरेंस अगर बच्चों को समझ गया तो वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, कॉपीकैट्स नहीं बनेंगे। ओके।
तो ये बहुत एक जो हम लोगों को क्या होता था कि हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं होता था, द रेफरेंस वाज ओनली योर मेमोरी करेक्ट जब उस वक्त जब हम सीखते थे. अभी क्या करेक्ट हो गया है कि फोन हाथ में डिवाइस है, तो अभी की जनरेशन को हमने सब्जेक्ट दिया, इमीडिएटली रेफरेंसेस रेडी है. आई नो तो खुद का आने के लिए उनके पास कोई स्कोप ही नहीं. ये मैंने बहुत, ये जो आप जो परसेप्शन की बात कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओल्ड स्कूल फॉलो करते रहना चाहिए, ओके क्योंकि अगर ईमानदारी वो, बरकरार रहती है। हाँ, ईमानदारी से भी ज्यादा आपकी जो बाद में लाइफ टेस्ट लेगी वहां फेल नहीं होंगे, यहाँ तो पास हो जाएंगे, करेक्ट करेक्ट वहां तो बच जाएंगे कम से कम. अब इतना इजी नहीं है, अपना अपना खुद का सब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए 20-20 साल लग जाते हैं. करेक्ट हाँ, इसी सवाल पे मैं आ रहा हूँ। इसमें दिस वाज लाइक वन ऑफ माय ऑलवेज क्वेश्चंस। लाइक अभी देखता हूँ मैं, कॉलेज से जस्ट निकले, साल 2 साल नहीं हुए, एंड इतने बड़े फिलोसफी बात करेंगे, इतना बड़ी सब्जेक्ट के बारे में। एंड मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इतनी छोटी उम्र में क्या इतनी दिव्य ज्ञान मिल गई है कि वो इतना बड़ा बात करे। वेरी रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग टू वन स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है, एंड दैट गाय वॉज टॉकिंग ह्यूज फिलोसफी अबाउट लाइफ। मैंने सुना उसको 15 मिनट के, मैंने सिर्फ उसे, इसमें तेरा अनुभव कितना है। सो ये बोरोड इंफॉर्मेशन से कंपेयर करते टू सेल्फ इवोल्यूशन, ये क्या इस दोनों के बीच में वो गैप है, वो कहीं तो तालमेल नहीं हो रही है, हो रही है? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो रोज स्टूडेंट्स को देखते हैं। क्या क्या बोलेंगे. एक्चुअली बच्चों ने सिर्फ अपने आप को क्या कहते हैं कि फेक नॉलेज पे नहीं जाना चाहिए. नॉलेज गेन करके आप बात करते हैं तो वो आपके काम में रिफ्लेक्ट होता है. और सिर्फ नॉलेज गेन कर लेंगे और सिर्फ बात करेंगे और अलग से काम भी साथ में दिखाएंगे तो एनीबॉडी कैन मेक आउट. करेक्ट काम ही आपका बोलना चाहिए आपसे पहले, ऐसा मुझे हमेशा लगता है. व्हेन इट कम्स टू आर्ट, यू नो, प्रैक्टिसिंग पेंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन, करेक्ट बातें तो बहुत हो जाएगी, बहुत पढ़ना भी आ जाएगा, गूगल से इंफॉर्मेशन भी बहुत जमा हो जाएगी, बट जब काम देखेंगे तब समझ में ही आएगा कि कितना ऊपर ऊपर है और कितना डीप है. कितना बराबर सही, जमीन के ऊपर कितना है, जमीन के नीचे कितना है हाँ उसमें। हाँ, लेकिन या दिस डेफिनेटली इज वन वन सब्जेक्ट ऑफ डिबेट फॉर मी विच आई विल ऑर्गेनाइज इन फ्यूचर, वहां पे जहां पे ये बोरोड इंफॉर्मेशन वर्सेस रियलिटी वर्सेस इवॉल्व इंफॉर्मेशन। स्पेशली कुछ कॉलेज कुछ यूनिवर्सिटीज की बातें इतने लंबे चौड़े होते हैं, मैं भी हैरान रहता हूँ इसमें। मेरे ख्याल से आई थिंक आफ्टर 20-30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं भी वैसे बात करने के लिए 2 बार सोचूं ऐसा। बट समवेयर तो मुझे लगता है कि वो बोरोड इंफॉर्मेशन नहीं। द रीजन व्हाई आई आस्क यू दिस इज, ये विद बोरोड इंफॉर्मेशन जब आर्टवर्क बनती है उसमें, तो उसमें वो डेप्थ नहीं दिखता, इट रिमेन्स अ पिक्टोरियल इमेज, जस्ट एन इमेज मे बी फॉर अ सेल और थिंग्स एंड ऑल, लेकिन वो एक आर्टिस्टिक नहीं बनती है, उसमें एक एक्सपीरियंस एक अनुभव एक जर्नी दिखाई नहीं देता है। तो कहीं तो मुझे वो ऐसा वेरी तो ट्रू, वेरी ट्रू. क्योंकि हम बोरोड इन्फॉर्मेशन के साथ जब किसी का पेंटिंग देखते हैं तो वो इन्फ्लुएंस्ड मालूम पड़ता है, उसका खुद का इवॉल्व जो जब, इंस्पायर्ड नहीं होता है, इन्फ्लुएंस रहता है वो। हाँ, इंस्पायर होने के लिए तो इंस्पायर होना पड़ेगा ना. इंस्पायर होने के लिए तो उतना वक्त जाना ही पड़ेगा बीच का. आई नो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड आस्क यू इज दैट नाउ आप एक टीचर के एज यू आर एज एन आर्टिस्ट, यू आर एज अ टीचर, यू आर एज यू 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 आर विद द सोसाइटी एंड आर्ट आर्टिस्ट और सोसाइटी, ये तीनों के कनेक्शन में पहले से भी काफी कलाकार लोगों ने काफी संस्थाओं ने करते आए हैं, लेकिन फिर भी इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऐसा आपको क्या लगता है कि ये चीजों को और कंस्ट्रक्टिवली कैसे नजदीक लाया जा सकता है? अभी सोसाइटी की हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि अभी आप और मैं हूँ, प्रेजेंटली हम बातें कर रहे हैं, यू हैव स्टार्टेड अ ग्रेट वेंचर, यू योर सेल्फ इज इन द प्रोसेस टू ब्रिंग सोसाइटी टू कनेक्ट.
ऑल टाइप ऑफ पीपल, नॉट नॉट जस्ट आर्टिस्ट, बट सबको आप कनेक्ट करेंगे. मैंने अपना वीडियो डाला है तो मेरे रिलेटिव्स भी देखेंगे, जरूरी नहीं है कि आर्टिस्ट हो. करेक्ट ऐसा करेक्ट अगर हर इंसान थोड़ा 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 जैसे साइंस और इन सब के वीडियोस देख लेते हैं, वैसे हमारी भी क्रिएटिव फील्ड है, हम भी क्रिएट करने के प्रोसेस में हैं. मैं तो हमेशा ही बिलीव करती हूँ कि साइंस और आर्ट बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि वो भी नया है, रोज का नया देने का कोशिश करते हैं, हम भी रोज का नया देने का कोशिश करते हैं, और सोसाइटी इन्फ्लुएंस होती है इन दो सब्जेक्ट्स से. सही बात तो हम और आप, आप ज्यादा ही, यानी मैं क्या आपको बताऊं, ये तो क्वेश्चन मैंने ही आपको पूछ लेना चाहिए था. यू आर डूइंग ला सो मेनी एफर्ट्स, टेकिंग सो मेनी एफर्ट्स टू ब्रिंग पीपल मोर क्लोज टू दिस सब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड आर्ट एप्रिसिएशन, व्हिच इज मोर इम्पॉर्टेंट. उसमें या डेफिनेटली सोसाइटी में विजुअल लैंग्वेज के बारे में सी बेसिकली वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व इन द सोसाइटी, फॉर एग्जांपल म्यूजिक हो नाटक हो, इसमें उसमें भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है. फॉर एग्जांपल कोई गाना सुनते हैं और मैं उनको पूछता हूँ ये कौन सा सुर है, तो उनको कुछ पता नहीं है उसमें, बट दे लाइक इट. उसमें वो एक्टिंग भी देखते हैं उसमें कौन सा, यू नो व्हाट आर द टूल्स एंड ऑल, उसके कोई ये नहीं. बट फॉर सम रीजन परफॉर्मिंग आर्ट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, अभी डांस इतने सारे डांस होते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि ये क्या मुद्रा है, डू यू नो, कोई मेल नहीं. बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट वो ऐसा लगता है कि नहीं, ये समझ में नहीं आता उसमें. तो ये परफॉर्मिंग आर्ट में उसमें भी समझ नहीं है, बट समवेयर वो जुड़ पाते हैं ये विजुअल में. तो मुझे लगता है कहीं पे तो ये एक हमारी सोसाइटी, हमारी एजुकेशन सिस्टम पहले से भी ऐसे कहीं तो वो विजुअल लैंग्वेज या विजुअल माध्यम को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को उतना नहीं लाए हैं उसमें. सो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस जहां पे. अभी इंस्टॉलेशंस हैं, या फिर अभी न्यू मीडिया ऑफ एक्सप्रेसिंग आर्ट, पेंटिंग के साथ में वाइब्रेशन साउंड के कितनी सारी चीजें हैं जो लोग अभी आर्ट को जैसे आर्टिस्ट ने पेंट किया है वैसे समझाने की कोशिश करते हैं सही थ्रू बात. देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशंस. तो वो एक अच्छा मीडियम है आर्टिस्ट के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए. मुझे ऐसा लगता है कि हमने भी टेक्नोलॉजी के साथ धीरे धीरे ग्रो करना चाहिए लोगों तक पहुंचने के लिए, आर्ट को सिर्फ कैनवास तक न रख के और भी माध्यम में काम करते रहना चाहिए. माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी फॉर टुडे बिफोर आई लीव अबाउट इट. हमारी देश की, हमारे इसमें फॉर एग्जांपल इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी हमारी आध्यात्मिक खजाना, मतलब हमारी जो विजडम है, जहां से हमें इंस्पिरेशन, हमें इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिली, वो इतनी बड़ी है उसमें. एंड काफी सारी चीज अभी तक टैप भी नहीं हुआ है इसमें. मैंने परसों में एक सीनियर आर्टिस्ट से भी बात कर रहा था उनसे, जब ऐसा उसकी वो जो हमारी टिपिकल इंडियन खजाना जो है, जो नॉलेज और विजडम का खजाना, सोर्स ऑफ विजडम, उसकी कविता में होती है, डांस में होती है, नाटक में होती है, साहित्य में होती है, लेकिन कला में, बिकॉज नाउ व्हाई आई एम आस्किंग यू इज बिकॉज आप एक एकेडमिशियन है, आप एक नए जनरेशन के साथ हर साल जुड़ती रहती है उसमें. तो ये आने वाला जनरेशन इस हमारी इतनी बड़ी खजाना को कितना टैप करती है? डू दे टैप इट, डू दे गेट दैट सोर्स, या डू दे रिलाई अगेन ऑन द वेस्टर्न थिंग्स, डू दे अगेन रिलाई ऑन द रेडीमेड इंफॉर्मेशन? हाउ डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? सबका तो नहीं बता सकते, लेकिन जिनको लर्निंग की अर्ज है वो लोग कोशिश करते हैं. और हम लोग, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं टीचिंग सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री ऑफ आर्ट हमने रखा हुआ है, एस्थेटिक्स हमने रखा हुआ है, वो इसीलिए हैं ताकि हमारी जो पुरानी धरोहर है आर्ट की उसको हम वहीं खत्म ना होने दें ना. इट शुड, वो पास ऑन होनी ही चाहिए. उन्हें पता, पुराने आर्टिस्ट ने या ग्रेट मास्टर्स ने इतना करके रखा है कि हम उनके इतना भी करीब नहीं जा सकते, इतना बिल्कुल करके रखा हुआ है. तो अगर बिल्कुल हम पढ़ेंगे भी नहीं या हम उनको जानेंगे भी नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? सिर्फ हमारा ही काम देख देख के हमारा ही काम क्यों लोग अप्रिशिएट करेंगे? हमारे अंदर कहीं ना कहीं, पैसिवली बोलिए या जो भी, हमारे अंदर वो होना चाहिए
तब वो हमारे भी काम से बाहर आते जाएगा, कभी ना कभी, सही कहीं बात, बातों से, समझ से, देखने से, डिस्कशन से, यही तो सारी चीजें पास ऑन होनी चाहिए। नहीं तो फिर बच्चे नहीं कैसे, उसको बच्चे नहीं रिलेट कर सकते हैं आगे, खत्म हो जाएगा ये जितना भी करेक्ट हमने रखा हुआ है। करेक्ट। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, उसमें मैं अगर सपोज एक सब्जेक्ट है, सपोज वेरी सिंपल कॉमन सिंपल सब्जेक्ट, गणेशा का पेंटिंग मैंने अगर बोला मैं उसमें, तो इट विल बी लाइक 15-20 लोग सब गणेशा के बारे में करेंगे, लेकिन उसमें कॉमन एलिमेंट है, गणेशा है, एलिफेंट है, वो स्नेक है, उसमें एक 4-5 कॉमन एलिमेंट, बस अलग अलग कॉम्पोजिशंस में आता रहता है। लेकिन क्या उस पूरे स्टोरी को, उस पूरे एक लिटरेचर में जितना चीजों को रखा है, क्या उसको विजुअली में ट्रांसलेट करने का, इज द यंग जनरेशन गोइंग टुवर्ड्स दैट, आपको दिखता है ऐसा? क्या जाना चाहिए, क्या जा सकते हैं, कैसा लगता है? थोड़ा सा बच्चों का अभी जो यंग जनरेशन का जो स्वभाव है बहुत लिटरल है, ने हर चीज को बहुत लिटरली देखा जाता है। उसका आजू बाजू आगे पीछे की कोई स्टडी नहीं करते हैं वो लोग। नहीं, बोला तो कर लेंगे लेकिन खुद में वो थोड़ा सा मिसिंग मुझे भी एंड लगता जल्दी है। जल्दी होना चाहिए, बेसिकली जल्दी जल्दी हाँ, होना उनकी चाहिए। लाइफ ही इतनी फास्ट मूविंग है और दे आर नॉट सीरियस कभी कभी, तो वो ऐसा हो जाता है कि सबमिशन है तो कर डालो, मांगा है तो कर डालो। बहुत कम ऐसे हैं जो पढ़ के आते हैं या उनके कितने अवतार हैं, उनकी क्या स्टोरी रह चुकी है। उसके अच्छा मैं रिसर्च करके उसमें बना, हाँ, यानी हम क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट को बाहर रख के भी सब्जेक्ट को पेंट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है। और फिर अगर देख लिया तो उसको डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्शन का नाम दे दिया जाता है। ऐसा आई है। नो, ये काफी टर्मिनोलॉजीज बहुत गड़बड़ हाँ, इजी हो गया एब्स्ट्रैक्शन या अनटाइटल लिख देना। या एब्सोल्युट एब्सोल्युट। बट डेफिनेटली यस, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू मृणाल। हम फिर से बात करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतनी बड़ी है, ये जस्ट हाफ एन आवर या छोटी सी एपिसोड में खत्म नहीं होगी, इसमें काफी सारे इंटरेक्शन होंगे। आई विल डेफिनेटली इन्वाइट यू फॉर अनदर इंटरेक्शन एंड डिबेट विद व्हेन वी आर गोइंग इन अ ग्रुप डिस्कशन, ताकि सेम यू वसंत जी, या थैंक यू। क्योंकि बिकॉज आई वांट थिंग्स टू रियली, आपके पास बहुत सारे इनपुट और इंफॉर्मेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है जो शेयर कर सकते हैं उसमें, बिकॉज एकेडमिशियन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द सोसाइटी और ऑफ द फ्यूचर। आर्टिस्ट तो है ही है, लेकिन आर्टिस्ट के साथ साथ एकेडमिशियन भी, उनका भी वो एक अलग थॉट प्रोसेस है, दैट्स अनदर वन, अनदर रोल इसमें। तो आप दोनों रोल्स प्ले कर रहे हैं इसमें, तो मेरे ख्याल से आई थिंक आने वाले इसमें विल हैव मोर इंटरेक्शन, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। बट कमिंग बैक अगेन टू योर आर्ट, आई शुड डेफिनेटली से दैट योर आर्ट इज वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी चैलेंजिंग, एंड आपके लाइन थियोरी के ऊपर डेफिनेटली मुझे फिर से, आई थिंक वी विल हैव अनदर एपिसोड एक्सक्लूसिवली ऑन लाइन थियोरीज, जहाँ पे मुझे आई वुड लाइक टू टॉक टू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मृणाल, एंड आई बिलीव दैट यू ऑल गाइज विल एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ ए कलाकार विद मृणाल, एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट आर टीवी, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मृणाल फॉर बींग विद थैंक अस। यू सो मच वसंत जी। थैंक यू, बाय। Thank you.